तो गाइस स्वागत है हमारे इस ब्लॉग पे गाइस। और मेरे पीछे ये मंदिर है देखिए, और ये रहा बाबा का ढाबा। मतलब बहुत खुशी हो रही है दोस्तों यहाँ पे आके, मतलब काफ़ी भीड़ है, भीड़ देखिए। देखो कितने लोग हैं यहाँ पे आके फोटो खिंचा रहे हैं, बाबा अंदर खाना खा रहे हैं। इनको काफ़ी लोग डोनेट कर रहे हैं, देख सकते हो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, मतलब भीड़ काफ़ी बड़ी संख्या में है। और दिखाता हूँ मैं, तो यही भाई है गौरव जी, नाम बता रहे, देख सकते हो। इन्होंने ही वो वीडियो बना के जो वायरल की थी, ये वही भाई है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं दोस्तों, मैं देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल वाले आए हैं, काफ़ी यूट्यूबर आए हैं, सभी वीडियो बनाने के लिए आए थे दोस्तों। मैं तो स्पेशल खाने के लिए आया था, तो आज जल्दी खाना ख़त्म हो गया गाइस। एक समय ऐसा था कि जिनका आधा किलो दाल भी नहीं बिकता था, और आज इतने मतलब आज जल्दी ख़त्म हो गया, पता नहीं। चलो ये तो वही बात है यार, दूर आए लेकिन दरस्त आए, और लक्ष्मी की बरसात ऐसी हुई। इनको बहुत जने लोग डोनेट कर रहे हैं, और ये लोगों ने इनको डोनेट किया है, काफ़ी चीज़ है। और कहीं जाए तो एक टाइम पे खाली थी दुकान दोस्तों, और अभी पूरी भर चुकी है, पूरी की पूरी, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे फोटो खिंचा। तो आप भी आइए, कुछ ना कुछ खा के जाइए और डोनेट कीजिए। तो सॉरी दोस्तों मैं कुछ खरीद नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चा नहीं है, तो और खाना तो एक्चुअली ख़त्म ही हो जाएगा। ये इनके बेटे हैं जो कि यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, इनकी अपनी रसोई है, ये छोटी सी रसोई है, खाना यहीं बनाते हैं, देख सकते हो। ये इसके बड़े बेटे हैं, और ये इसके बाबा के दादा हैं, मतलब इनके पिताजी हैं, और ये है वो ढाबा। तो दोस्तों जो बाबा जी हैं उनके जो लड़के हैं मेरे साथ अभी हैं, सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। सर जो आपका नाम है वो आज़ाद हिंद नाम है, इनका जो नाम है वो आज़ाद हिंद, जैसे कि आप नाम जो है सुन सकते हो कितना अच्छा नाम है आज़ाद हिंद। तो आप बेसिकली यहाँ पे आते हो या अभी आए हो फिलहाल? नहीं, बेसिकली आते हैं, बट फिलहाल लॉकडाउन से पहले जॉब कर रहा था, तो लॉकडाउन में जॉब ऑफिस का जो वो खाली हो गई, तो जॉब के पास नहीं थी। तो आपकी जो जॉब थी वो चली गई थी कोरोना की वजह से? हाँ, कोरोना की वजह से चली गई थी। अच्छा, तो बेसिकली आप क्या जॉब करते थे? ऑफिस बॉय। अच्छा, ऑफिस बॉय थे जी। कहाँ पे? शिवालिक मालवीय नगर। ओके, शिवालिक मालवीय नगर। तो अभी फ़िलहाल जो आपका खाना है वो ख़त्म हो चुका है? ये ख़त्म हो गया है। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं है, बस सामान अपना क्लीन करके रेडी कर रहे हैं। ओके, क्लोज करने के लिए। तो जब से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है तब से अभी जो कंडीशन है वो कैसी है? पहले से कंडीशन बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओके, और जो हेल्प है वो अभी भी मिल रही है आपको? वो अभी भी हेल्प मिल रही है, और आगे भी मिलते ही रहे। ओके, आपने इसको कितने बजे ओपन किया था? सुबह 6 बजे, 6 AM। ओके, और जो ये आपका काउंटर है वो कितने बजे ओपन हुआ था? ओपन तो 6 बजे हो गया था। ये आपने खाना प्रोवाइड करना 6 बजे शुरू करें? नहीं, ओपन 6 बजे हो गया था, बट कम्प्लीट जो सामान रेडी है आपका 9-10 बजे रेडी हो गया था। अच्छा, मतलब 9-10 बजे आप जो खाना है वो बेसिकली प्रोवाइड करवा रहे थे? हाँ। तो ये जो आपका खाना है वो कितने बजे तक आज फिनिश हो गया? आज फिनिश हमारा खाना 12-1 बजे तक हो गया, मतलब बहुत जल्दी हो गया। और उससे पहले जो सिचुएशन थी वो क्या थी? उससे पहले बहुत ही बेकार कंडीशन थी ये लॉकडाउन में, और लॉकडाउन से पहले तो थी बट लॉकडाउन में तो बिल्कुल बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई थी। बट ये जब से कुछ 5 दिन से कुछ अच्छा हुआ है, जो हमारे जो गौरव जी हैं एक उनकी हेल्प मिली है, उनकी मदद मिली है, तो उनकी मदद से सारा आज जिन्होंने इनको वायरल करा, जिनको हमको वायरल किया है पूरे पब्लिक में, तो उनकी वजह से आज हम फेमस हुए। ओके ओके, तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि मतलब इन फ्यूचर अभी आपकी मतलब क्या है, क्या प्लानिंग है आगे का? प्लानिंग तो फादर डिसाइड करेंगे। ओके, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, तो जो आपका राशन है कितना यूज हो जाता है? यूज तो पता नहीं कितना है, मतलब वो आपके जो बाबूजी हैं उनको यूज तो हो भी सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट एक अगर ज़्यादा करेंगे तो बॉडी कलेक्ट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपके पास क्या क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है खाने में? मटर पनीर। मटर पनीर, उसके अलावा? मटर पनीर है, और राइस है, और मिक्स दाल है, और परोठा है, अनियन परोठा है,
तो आप अपने मतलब फैमिली में सबसे बड़े हो? जी मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। ओके, तो अभी बाबा जी और जो आपकी माता जी है वो अभी फिलहाल कहाँ पे हैं? वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, वो अभी मतलब जा चुके हैं। हाँ जा चुके हैं। तो पहली सिचुएशन क्या थी, मतलब पूरे दिन मतलब शॉप पे रहते थे लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से पहले मैं शॉप पे नहीं रहता, मैं जॉब करता था। नहीं, आपकी जो माता पिता थे, जो बाबा जी थे, तो जो लॉकडाउन से पहले जो शॉप थी वो अपनी कितने बजे बंद कर दी? वो 6-7 बजे बंद कर देते थे हम लोग। तो अभी फिलहाल जो आपकी शॉप है वो मतलब 2 बजे के आसपास क्लोज हो जाती है? हाँ क्लोज जाती है, सब कुछ फ्री रहता है। ये तो ये है कि हमारे जो रेलवे लॉकडाउन में हमारे आटा निकलना और सब्जी बहुत निकलना बड़ा मुश्किल होता था जी। आज जो हमारा जो खाना अच्छी तरह से निकल जा रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आगे भी सबका ये अच्छा हो, बस एक चीज़ है और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा पब्लिक से कि जिस तरह से ये कोरोना का काल आया है, जिसे कहते हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि 100 साल में एक बार आता है, तो अगर इसी तरह से अगर 100 साल में अगर आता है, अगर उसे आने से पहले अगर 6 मंथ पहले ही पब्लिक को अगर होली का तो मेरे साथ गौरव किया है, तो गौरव भैया मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ आपको जो आइडिया है ये वाला पिंटी जी का, बाबा जी का, वो आपको कैसे आया? भाई ऐसे ही निकल रहा था, देखा तो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बुजुर्ग दंपति बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिल को बड़ा तकलीफ हुई देखा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में भी, तो मेरे को लगा कुछ करना चाहिए, बस फ़ोन निकाला और इनकी वीडियो बनाना है और वीडियो को करना। तो गौरव भैया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अपनी फ्यूचर आप किस किस टाइप के लोगों की हेल्प करना चाहते हो? भाई किसी की भी हेल्प करना चाहेंगे। देखो मैं सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी भेदभाव में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि जो भी इंसान जिसको मेरी ज़रूरत हो कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं या फेसबुक पे भेज सकते हैं। अपनी आईडी बता दो। तो मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है भाई वो यूट्यूब स्वाद ऑफिशियल है और आप मेरे को यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं स्वाद ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पे भी आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं, वहाँ पे भी रिप्लाई करवा सकते हैं। और यही कोशिश करूँगा कि ऐसे बहुत सारे बाबा के ढाबा हैं पूरी दुनिया में, हम इन सबकी मदद कर पाएँ। तो मैं आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को क्या मतलब मैसेज देना चाहते हो और क्या कहना चाहते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं? भाई यही बोलना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारो, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और वो अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ आप कैप्चर करने की कोशिश करो ताकि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको आप अच्छे से निभा पाओ। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत का फल कभी भी ऐसा नहीं है कि खाली जाता है और बहुत मीठा होता है जब मेहनत करके फल पाता है। मेहनत करते रहो भाई लगन से, कोशिश करते रहो, मिल जाएगा। तो दोस्तों इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ओके भैया, नाइस टू मीट यू। थैंक यू भैया। दोस्तों तो देखा इन भाई ने वो सपोर्ट किया था इनको, जो कि अभी काफ़ी वायरल हो चुकी है ये। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर एक सोशल मीडिया पे। ये मैं नहीं चाहता दोस्तों, ये इंडिया तक सीमित रहे, ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड करना चाहिए, ठीक है? हैशटैग बाबा का ढाबा लिख के कॉमेंट में करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई? फैमिली 1-2 हफ्ते तक सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें भी खुद आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो feedingindia.org/donate पर आप डोनेशन दे सकते हैं, उस डोनेशन के थ्रू हम यही इसी तरह राशन किट्स खरीद सकते हैं और ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जनता जो देख रहे हैं, उसको आप उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो मैं यही देना चाहता हूँ कि बस अपनी आंखें खुली रखिए, ज़रूरी नहीं है कि किसकी हेल्प करने के लिए एक एनजीओ में होने की ज़रूरत है। आपको कोई भी ज़रूरतमंद दिखे उसकी ज़रूर हेल्प कीजिए, लोकल वेंडर्स की हेल्प कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ फीडिंग इंडिया में दम है तो हमें भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने डोनेशन के थ्रू या मेरी तरह एक वॉलंटियर बनिए फीडिंग इंडिया एनजीओ का। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन्हीं की तरह आप भी हेल्प कर सकते हो, अगर आप वॉलंटियर नहीं हो तो भी आप हेल्प कर सकते हो। और इन जैसे कि इन्होंने अपना वेबसाइट बताया था जी, उस पर भी जाके हम डोनेशन दे सकते हैं। गाइस प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिएगा, मेरा दोस्त है एक राम सिंह जाट है दोस्तों, उसका एक चैनल हैक हो चुका है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गाइस, उसको भी सपोर्ट कीजिए। तो यार खाना खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अभी आएगा नहीं खाना? अब चलो बाहर से आएगा, इतने दूर से आए हम खाना खाने के लिए स्पेशल, क्या करें जब नहीं है कि कहाँ से। यहाँ पे खाना खत्म हो गया ऐसे कुछ बता रहे हैं। तो दोस्तों ये अब जा रहे हैं यहाँ से, आज जल्दी खाना खाना।
दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बाबा जी जा रहे हैं और इनका जो खाना है वो क्या खाना है और ये बैठ रहे हैं उनको। अम्मा वही छोड़ दिया भाई, एक एक भाई जरा आगे सलमान खान बना दो बाबा जी। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो बाबा जी जा रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए। आज तो वैसे संडे तक खत्म हो गया दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारा सामान डोनेट किया गया लोगों ने। देख सकते हो ये है, देखिए ठीक है देखा दोस्तों, ये है वो रसोई देख सकते हो और ये पहले वाला है। ये देख सकते हो लोगों ने इसको मतलब डोनेट किया है देख सकते हो। मतलब एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि इनकी आधी किलो दाल नहीं बिकती थी और अभी का टाइम ऐसा है दोस्तों कि आज खाना खत्म हो चुका है। 3 बजे ही साढ़े तीन मतलब 2 बजे के आसपास ही खाना खत्म हो चुका है। तो ये इतना सारा सामान है, सैनिटाइज वगैरह लोगों ने दिया देख सकते हो। यहाँ पे बाबा जी बैठते थे, कितने यहाँ पे आए बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर आए थे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आपका भाई भी आया, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। देख सकते हो ये सामान है, बाकी सामान आपको बाहर दिखाया जाएगा ठीक है। अभी बाबा जी रेस्ट करने के लिए गए हैं, काफी मशहूर हो गया दोस्तों। आप ऐसे ही गरीबों की मदद कीजिए, इस भाई की भी मदद कीजिएगा। इस ज्यादा नहीं कुछ दोस्तों, इस वीडियो में मुझे बस 10K लाइक चाहिए देख सकते हो।